बातचीत दोस्ती के शाकार जदीद तरीन जंगी तैयारी JF-17 थंडर की पूरी दुनिया में धूम है। JF-17 थंडर का मुल्क की दिफा को नकाबले तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के JF-17 थंडर और फ्रांस के बनाए हुए भारतीय जंगी तैयारे राफेल का मवासना दिखाएंगे। भारत की जानिब से राफेल को गेम चेंजर कहा गया, हालांकि ये कोई गेम चेंजर नहीं, क्योंकि बात सिर्फ तैयारों की नहीं पायलट्स की महारत और तजुर्बे की होती है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स महारत में भारतीय फजाइया से बहुत आगे हैं। JF-17 ब्लॉक 3 का फ्यूल का इस्तेमाल बहुत कम है। ये फाइव टैक्टिकल वेपन रॉड है। इसमें एडवांस डेटा लिंक, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम नस्ब है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और क्रूज मिसाइल से लैस है। अगर हम JF-17 थंडर और भारतीय राफेल का तकाबली जायजा लें तो ये दोनों थर्ड प्लस जनरेशन तैयारे हैं। पाकिस्तान का JF-17 थंडर थर्ड ब्लॉक कम कीमत में तैयार होता है, जबकि राफेल इससे कहीं ज्यादा कीमत में है। JF-17 को अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि राफेल फिक्स टेक्नोलॉजी है। राफेल की सर्विस सेलिंग 50,000 फिट है और JF-17 की 54,000 फिट। राफेल की एयर स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर है और स्पीड 1.8 मैक है, जबकि JF-17 की मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर और स्पीड 2 मैक है। JF-17 थंडर की लंबाई 14.97 मीटर है। इसके पर की लंबाई 9.46 मीटर है। ऊंचाई 4.77 मीटर और JF-17 थंडर का वजन 6,411 किलोग्राम है। JF-17 थंडर तैयारा 3,000 किलोमीटर की रफ्तार से सफर कर सकता है और 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। भारतीय तैयारी राफेल की फ्री रेंज 3,700 और JF-17 की 3,800 किलोमीटर है। JF-17 पर क्रूज मिसाइल नस्ब है, जबकि राफेल पर नहीं है। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के तैयारों से हर तरह के एटमी हथियार भी फायर किए जा सकते हैं। इसकी स्पीड और BVR मिसाइल की रेंज राफेल से डबल है। JF-17 का वजन भी कम है। JF-17 थंडर में नस्ब रेडार 15 अहदाफ की निशानदही और 4 अहदाफ को बैक वक्त निशाना बना सकता है। राफेल को मुकम्मल ऑपरेशनल होने में अभी भी कई बरस लगेंगे, जबकि JF-17 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। भारतीय राफेल को अभी तक एयर टू एयर कॉम्बैट में टेस्ट नहीं किया गया, यानी किसी जंग में इसकी सलाहियत नहीं आजमाई गई। फिर इसमें एयरक्राफ्ट शूटिंग की सलाहियत भी नहीं, जबकि JF-17 की हर तरह से टेस्टिंग हो चुकी। JF-17 थंडर ही वो जंगी तैयारा है जिसने 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में भारतीय जारहियत को कुचलते हुए भारतीय तैयारों को बेबस करके भागने पर मजबूर कर दिया, और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारों को गिराकर इंडियन पायलट अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान JF-17 खुद तैयार करता है, जबकि भारत ने राफेल फ्रांस से दरामद किए हैं। ये वो फर्क है जो कभी मिटाए नहीं मिट सकता। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में पैदावार के आगाज के बाद पहली बार 23 नवंबर 2009 को ये जंगी तैयारे पाक फजाइया के हवाले किए गए। अब इस तैयारी में JF-17 थंडर 2 और 3 भी शामिल है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अमरीकी F-16 जैसे जंगी तैयारे को चैलेंज करता नजर आता है। इसी तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 4 भी अपनी बेमिसाल सलाहियतों और महारतों की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग के शोबे में लाजवाल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 थंडर ने पेरिस एयर शो के दौरान दुनिया का सबसे अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम करवाया। JF-17 थंडर ने 229 किलोमीटर की उल्टी परवास करके राफेल तैयारी समेत सबको पिछाड़ दिया। 16वीं दुबई एयर शो में बेमिसाल जादुई मुजाहिरा करके JF-17 थंडर ने नए आलमी रिकॉर्ड कायम करते हुए शायकीन और माहिरीन के दिल जीत लिए। अलगर्ज पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा JF-17 थंडर दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से मुकाबला करता दिखाई देता है। पाकिस्तान के जंगी तैयारे JF-17 थंडर और फ्रांस से खरीदे गए भारतीय तैयारे राफेल के हवाले से आखिर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का एक शेर इंतहाई मौजू है। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और।